आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ की बैठक। विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को 15 अगस्त तक संपन्न कराने, नवीन पाठ्यक्रम, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहित विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को जनपद में 10 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण परियोजनाओं सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा। कहा, कार्यों में लाए तेजी जिससे जनपद का हो सके विकास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव ने पीएम स्वामित्व योजना की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को टूटा अब तक का रिकॉर्ड। जिला अस्पताल सहित कुल 143 केंद्रों पर 31,202 लोगों ने कराया कोविड का टीकाकरण। सीएमओ और सीडीओ ने कहा, लक्ष्य से बढ़कर किया गया वैक्सीनेशन, उत्साह के साथ लोग लगवा रहे हैं टीका जीत का। शासन के निर्देश के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई व अगस्त माह का निशुल्क राशन किया जाएगा वितरित। जिलाधिकारी ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मिलेगा राशन। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें व्यवस्था, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्यवाही। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। एसएसपी ने चौरी चौरा थाना और सोनवर्षा पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के दिए निर्देश। सीआरसी एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दिव्यांग जन एवं उनके अभिभावकों हेतु 2 दिवसीय निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण के पोस्टर का भी किया विमोचन। दिव्यांग जनों से की अपील, कहा, अवश्य कराएं कोविड का वैक्सीनेशन। जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपाइयों ने किया पौधरोपण। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस 6 जुलाई तक चलता रहेगा वृक्षारोपण का अभियान। महानगर को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे रात्रि नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,258। अब तक 841 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 96 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पैडलीगंज स्थित देशी शराब की दुकान के समीप संदिग्ध अवस्था में मिला एक व्यक्ति का शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ महिला रिक्रूट आरक्षी बैच 2021 का दीक्षांत समारोह। कुल 21 महिला आरक्षियों को मिली तैनाती। आरआई ने दिलाया पद एवं कर्तव्य की शपथ। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिला रिक्रूट को किया गया सम्मानित। चकसा हुसैन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने उपनगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। उपनगर आयुक्त ने दिया आश्वासन, कहा, जल्द होगा समस्याओं का निस्तारण। भोजपुरी लोकगीत गायिका प्रतिमा योगी के वीडियो एल्बम कितना बताए सुख का हुआ लोकार्पण। गीत के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दी गई नसीहत। गुरुवार को महानगर की सड़कों पर देखने को मिला नाइट कर्फ्यू का आंशिक असर। एसपीसीटी ने कहा, 28 स्थानों पर पुलिस करा रही है नाइट कर्फ्यू का पालन। और राप्ती, घाघरा और रोहिन नदी के जलस्तर में हुई गिरावट। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सभी विभाग को किया गया अलर्ट। बढ़ाई गई तटबंधों की चौकसी। एडीएम फाइनेंस ने जगदीशपुर गांव का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।